अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासर में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो है, ये है माकिता के कॉर्डलेस ग्राइंडर के बारे में। ये दोस्तों बैटरी वाला ग्राइंडर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना पावरफुल होता है और इसकी जो बैटरी की टाइमिंग होती है वो कितनी होती है, और स्पेशली किसके कार्बन ब्रश किस तरह चेंज किए जाते हैं, और कौन सा मॉडल होता है और कौन से कार्बन ब्रश सबसे अच्छे होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, और उसके साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और उसके साथ साथ मेरी हौसला अफजाई भी हो कि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसकी बैटरी के बारे में। इससे पहले दोस्तों, जितनी भी ग्राइंडर आते थे या ड्रिल मशीन आती थी, उनमें बैटरियाँ छोटी होती थी, स्लिम होती थी। काफ़ी दोस्तों ने इसके बारे में देखा भी होगा कि उनकी बैटरियां बहुत छोटी होती थी। इसके अंदर जो लिथियम बैटरी होती हैं, जो सेल होते हैं, इसके अंदर उन्होंने 18 सेल डाले हैं। ये सैमसंग के ओरिजिनल सेल होते हैं इसके अंदर, और काफ़ी पावरफुल होते हैं। जो इससे पहले ग्राइंडर वगैरह आ रहे थे उनमें मैक्सिमम हाथ जो होती थी वो 10 सेल होते थे, जो उनकी बैटरी टाइमिंग इतनी नहीं होती थी और काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाते थे। इसके अंदर उन्होंने 18 सेल डाले हैं जो बहुत टाइम निकाल जाते हैं। इस ग्राइंडर के साथ दोस्तों मैंने इसको चेक किया है, मतलब नॉन स्टॉप इस्तेमाल करके लगभग 1 घंटा आराम से निकाल जाता है, और वो भी नॉन स्टॉप इस्तेमाल करके। नॉन स्टॉप का मतलब है कि आप स्टार्ट करें और पूरा घंटा इसको इस्तेमाल करते रहें, उसके बाद इसकी कहीं बैटरी आपको लो शो होगी। और उसके साथ साथ ये 5 इंच का ग्राइंडर है, बहुत ही पावरफुल है। इसके साथ आप कटिंग कर सकते हैं, ग्राइंडर कर सकते हैं, इसके साथ आप वैसे ही काम ले सकते हैं जैसे आप तार वाले ग्राइंडर से ले सकते हैं। उसके बाद इसमें जो कार्बन ब्रश डलते हैं, इसका मॉडल नंबर है CB100A, ये इसका मॉडल नंबर है। इसके कार्बन ब्रश हैं ये, आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। जो दोस्त कार्बन ब्रश चेंज करते रहते हैं या जिनका वास्ता है इस चीज़ से, वो देख कर ही बताएंगे कि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये माकिटा के ओरिजिनल कार्बन ब्रश हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में है। ना ये खुद जल्दी घिसते हैं, ना कम्यूटेटर को ख़राब करते हैं। इसको चेंज करने का क्या तरीका है, इसकी साइड में दो ये कैप लगी होती हैं जो मैंने उतार दी हैं। इसको आराम से, बहुत ही सिंपल है, आप घर में भी इजीली इसको चेंज कर सकते हैं, या आप इस तरह लगा के ऊपर इसकी कैप लगा दें। ये देखें दोस्तों, ये कैप को हल्का सा टाइट करते हैं, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लास्टिक की होती है, टूट भी सकती है। हल्का सा बस करते हैं 2 टर्न। उसके बाद ये दूसरी साइड है इसकी, इसको भी सेम उसी तरह ही। बस हल्का सा इसको टाइट कर दें, ज़्यादा टाइट नहीं करें। उसके बाद ये इसकी बैटरी है, इसको आप मैं चला के दिखाता हूँ। ये इसकी लाइट लगी होती है दोनों साइडों में, जब आप बैटरी इन आउट करते हैं तो ये लाइट इंडिकेट करती है आपको। दोस्तों, ये जो कार्डलेस ग्राइंडर होते हैं या ड्रिल मशीन होती है, एक्चुअली इनका फंक्शन यही होता है कि आप अगर कहीं साइड में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, आपको बिजली की प्रॉब्लम है, और उस जगह पे आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही पावरफुल है जिस तरह वो ग्राइंडर होता है। इसके 10,000 RPM है, इंतहाई स्पीड में चलता है, पावरफुल भी है, और इसके साथ साथ इसकी बैटरी टाइमिंग की जो सबसे अच्छी बात है, इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, ये मैंने पर्सनली चेक की है। अगर कोई दोस्त ग्राइंडर लेने में दिलचस्पी रखता है, कॉर्डलेस ग्राइंडर में दिलचस्पी रखता है, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि ये माकिटा का ग्राइंडर है। इसका मॉडल नंबर है BGA452, 18 वोल्ट में होता है। अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, इस्तेमाल करेंगे आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको खोल के बताऊंगा कि इसका अगर कोई वाइंडिंग का मसला हो जाता है उसको किस तरह हल किया जाता है, अगर इसका आर्मेचर चेंज करना पड़ जाता है या रिपेयर करना पड़ जाता है तो उसको किस तरह चेंज या रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए।